आज कालाकोट के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली और बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा ठाकुर रणधीर सिंह ने बीजेपी के बड़े सीनियर नेताओं के साथ बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना से मुलाकात की है, जिसमें कालाकोट में केवी स्कूल और सीओट कालाकोट रोड का चौड़ीकरण को लेकर मांग की है। साहिल कॉल की रिपोर्ट। कालाकोट विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो पूर्व मिनिस्टर हैं श्री अब्दुल गनी कोहली साहब और वहाँ के हमारे सीनियर लीडर्स ठाकुर रणधीर सिंह जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सरदारी जी, अशोक जी चेयरमैन साहब और मंडल प्रधान जी के एक डेलीगेशन आज मिला है। पिछले दिनों जो नए केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल्स अनाउंस किए गए, उसमें किसी कारणवश कालाकोट का नाम छूट गया है। कालाकोट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी है, हेडक्वार्टर है, वहाँ BSF, आर्मी, CRPF, एयरफोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज बड़ी तादाद में हैं और जितने भी पैरामीटर्स हैं एक केंद्रीय विद्यालय के लिए, उसके लिए कालाकोट क्वालिफाई करता था। लेकिन किसी कारणवश ये जो पहली लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें कालाकोट का नाम रह गया था। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं कालाकोट के, इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनको ये निवेदन किया है कि कालाकोट का जो केंद्रीय विद्यालय रह गया है वह कंसीडर किया जाए। बड़ा लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है और मैंने इन सबको विश्वास दिलाया है कि ये मामला जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय तथा केंद्रीय जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनके साथ ये मैं टेकअप करूंगा और पूरा कोशिश करेंगे कि कालाकोट को उसका हक मिले, इंसाफ होना चाहिए। और दूसरा, जो सीओट से लेके कालाकोट की सड़क का निर्माण कार्य है, उसका एक्सपेंशन है, पिछले कई सालों से लगातार कोशिश की गई है कि उस रोड की वाइडनिंग की जाए, उस रोड को BRO के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डबल लेन बनाया जाए, उसके लिए कोशिश भी की गई और वो रक्षा मंत्रालय के पास सारा प्रोजेक्ट है, उस पर पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय जी से भी इस मामले को हमने टेकअप भी किया है, आगे भी टेकअप करेंगे। जब तक BRO के तहत इसको अप्रूवल मिलता, उस सड़क की हालत अच्छी बने, उसको ठीक किया जाए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हमारे सारे साथियों ने ये दो महत्वपूर्ण विषय कालाकोट विधानसभा क्षेत्र के संबंधित हमारे सामने रखे हैं, इस पर जरूर हम प्रयास करेंगे। दूर दराज का एरिया है और लोगों ने हमेशा से ही हुबले वतनी और वतन परस्ती का मजारा किया है, बड़े वतन परस्त लोग हैं और पिछले कई सालों से लगातार उनकी ये डिमांड रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इन मामलों का कोई ना कोई हल निकाल के लोगों के साथ इंसाफ करें।